स्टूडेंट्स, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस क्लास फिफ्थ. इन ईवीएस 11 चैप्टर में हम आज एक्सरसाइज पोर्शन की बात करेंगे. पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. इन नॉर्थ इंडिया डैश डैश एंड डैश आर ग्रोन इन प्लेंटी. नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या ग्रो होता है? वीट, कॉर्न और राइस. नेक्स्ट है आपका फूड हैबिट्स हैव चेंज विद द डैश. फूड हैबिट जो है कैसे चेंज होता है? टाइम टू टाइम चेंज होता है, समय के अनुसार चेंज होता है. तो यहाँ पे टाइम हम लिखेंगे टाइम्स. नेक्स्ट है आपका डैश लैक इन न्यूट्रिशन. मेन न्यूट्रिशन लैक इन न्यूट्रिशन, ये आना चाहिए आपका. मेन न्यूट्रिशन आएगा, अगर न्यूट्रिशन में कमी होगी तो क्या होगा? मेन न्यूट्रिशन होगा, ठीक है. नेक्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेमस डिश फ्रॉम साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में सबसे फेमस डिश कौन सा है इनमें से? करी चावल, इडली एंड डोसा या संदेश. इडली एंड डोसा होता है तो उसमें हम टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का जो मेन एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा में साउथ इंडिया में क्या ग्रो किए जाते हैं? राइस. तो राइस पे टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑल द पीपल इन आवर कंट्री ईट द सेम फूड. क्या हमारे कंट्री में जितने भी सारे जो लोग हैं वो एक ही तरीके के फूड खाते हैं? नहीं, अलग अलग उनके फूड होते हैं. तो रॉन्ग. फास्ट फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फूड. ट्रेडिशनल फूड से अगर कंपेयर किया जाए फास्ट फूड का, तो फास्ट फूड जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है. गलत. तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. नेक्स्ट है पॉवर्टी इज़ द मेन कॉज ऑफ अंडर नरिशमेंट. तो आपका जो पॉवर्टी है मेन कॉज है इसका, तो अंडर नरिशमेंट का, तो हम इस पर टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके, जो आपको मैं ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ. अपने ये एक्सरसाइज को नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना क्लास. नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट है. विच डिजीज इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. जब विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सी डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की, कम दिखाई देने की. नेक्स्ट है आपका विच डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की कमी होने से कौन सी होती है डिजीज़, कौन सी होती है आपको? एनीमिया. तो एनीमिया लिखेंगे. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं हम. वट इज़ अ फेमाइन. आपको बताना है फेमाइन क्या है. फेमाइन इज द प्रोलॉन्ग फूड स्टोरेज दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड हंगर एंड डेथ, ठीक है. नेक्स्ट है वट इज़ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है बताया था मैंने आपको. डाइट विच कंटेन सफिशियंट क्वान्टिटीज ऑफ ऑल द न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड्स. जितनी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही न्यूट्रिशन जो हमें लेनी है वो आपका है ये डाइट. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द कल्चरल डाइवर्सिटी इन आवर फूड. हमारे जो फूड में कल्चरल डाइवर्सिटी होता है उसको हमें डिस्क्राइब करना है. इसमें हमें फूड के कल्चर को डिस्क्राइब करना है, जैसे कि इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कौन से फूड चलते हैं, साउथ इंडिया में कौन कौन से फूड होते हैं, तो वो बताना है. तो इन इंडिया देयर इज़ अ कल्चरल डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ फूड. बहुत सारे हैं तो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग उनके अलग अलग फूड हैं, फूड आइटम्स हैं. तो इन साउथ में क्या होता है, साउथ में क्या कहते हैं? इन साउथ पीपल ईट प्रिपरेशन लाइक डोसा एंड इडलीज. डोसा और इडलीज खाते हैं उनका, आप जानते हैं डोसा, इडली, सांभर, ये साउथ इंडियन का फूड है. नॉर्थ में क्या होता है? दाल होता है, राइस होता है, आलू पराठाज होते हैं, छोला चावला, छोला भटूरा, ये सब डिशेज नॉर्थ के हैं, फेवरेट डिशेज हैं. और साउथ के फेवरेट डिशेज कौन से? इडली या डोसा. नेक्स्ट है आपके राइट शॉर्ट नोट ऑन बंगाल फेमाइन. बंगाल फेमाइन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. जो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर created a German storage of food in Bengal. क्या हुआ? General storage of food जो है बंगाल में ये स्टोर किया गया था. और जापानीज ने क्या किया था? जापानीज कैप्चर्ड ब्रह्मा एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ राइस. जापानीज ने ब्रह्मा को कैप्चर कर लिया था और राइस का सप्लाई जो है वो स्टॉप कर दिया था. नेक्स्ट फिर क्या किया था? द ब्रिटिश रूल्स टुगेदर विद द ब्लैक मार्केटर्स ऑल्सो हेल्ड बैक स्टॉक्स. क्या हुआ था? ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी. फिर देन अ साइक्लोन डिस्ट्रॉयड मच फार्मलैंड इन दैट एरिया. फिर साइक्लोन के कारण क्या हुआ, उस एरिया में फार्मलैंड जो है वो बहुत ही जो एरिया में बर्बाद हो गया था. फेमाइन स्ट्रक एंड मोर देन 2 मिलियन पीपल डाइड. इस कारण क्या हुआ था कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं मर गए थे.
ये एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी को अपने नोटबुक में नोट करना है और साथी के साथ इनको लर्न भी करना है. थैंक यू.